अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्लटर डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम जो प्रोजेक्ट है उसको सेटअप करेंगे फॉर चैटबॉट एप्लीकेशन के लिए, और जो बेसिक नीड है हमारी इस प्रोजेक्ट के लिए हम उन चीज़ों को ऐड करेंगे, जैसे जो पब डेव के पैकेजेस हैं और जो इमेज हमको ऐड करनी है, हम वो सारी चीज़ों को हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे। और दूसरा ये कि हमारी जो एप्लीकेशन वो इन दी एंड बन के किस तरीके से दिखने वाली है, अगर आपने वो नहीं देखी तो इससे मेरी पिछली वाली जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो यहाँ पर आपको ऊपर शो हो रहा होगा, तो आप वो भी देख लें। वो बेसिकली इस प्लेलिस्ट का इंट्रोडक्शन है और उसमें ये भी दिखाया गया है कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो इन दी एंड बन के किस तरीके से दिखने वाली है। सो आप वो भी देख लें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस पूरी प्लेलिस्ट की आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है हमारा आईडी ओपन कर लेंगे, ठीक है, जो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सही है, अब वो विजुअल स्टूडियो कोड भी हो सकता है या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो भी हो सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं कमांड शिफ्ट पी मतलब प्रेस करूँगा एक साथ, तो फिर हमारे पास यहाँ पर शो होगा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। हम इस पे जाएंगे, एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर हमसे पूछ रहा है कि आप वो फोल्डर सेलेक्ट करो जिसके अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। एंड आफ्टर डैट हम यहाँ पर उसको एप्लीकेशन का नाम देंगे। अब मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ चैट बॉट ऐप ट्यूटोरियल। अब दूसरा इसमें ये कि नाम देते वक्त हमने अंडरस्कोर इस वजह से इस्तेमाल किया क्योंकि हम इसमें स्पेस बार यूज़ नहीं कर सकते। सो इस वजह से इस चीज़ से काफ़ी ख्याल रखिएगा कि जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को नाम दे देंगे, इसके बाद जैसे ही एंटर दबाएंगे तो फ्लटर की जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन होती है वो हमारे पास यहाँ सामने ओपन होकर आ जाएगी। और साइड पर हम यहाँ पर एक iOS सिमुलेटर भी ओपन कर लेते हैं, ताकि जो एप्लीकेशन है इसको हम रन कर सके हमारे इस सिमुलेटर के ऊपर। ठीक है, जब तक तो हमारा ये सिमुलेटर ओपन हो रहा है, हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर LIB से बाहर, लेफ्ट हैंड साइड पर LIB से बाहर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे एसेट्स। ठीक है, अभी हमारा जो सिमुलेटर है वो ओपन हो चुका है, तो हम यहाँ पर साइड पर हमारी जो एप्लीकेशन है जो फ्लटर की डिफ़ॉल्ट है इसको रन होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि यह एप्लीकेशन यहाँ पर साइड पर रन होती रहे। अब यहाँ पर जो हमने एसेट्स का फोल्डर बनाया है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये ChatGPT के आइकन की एक इमेज है, तो हम इसको यहाँ पर एसेट्स के फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये जो आइकन है ये जो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका लिंक, या फिर आपको मैंने अपना जो सोर्स कोड है इस कोड का वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, तो आप वहाँ से गिटहब से ओपन करके भी एसेट्स में जाके इस आइकन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हम हमारी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है बस बिल्ड होने के लिए। हम जब तक एक काम करते हैं, जितने भी ग्रीन उससे ये मैसेजेस लिखे हुए हैं हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग डैट फाइल को हम सेव कर लेते हैं एंड लेट्स वेट। हमारी एप्लीकेशन देखें बिल्ड हो चुकी है, ये फ्लटर की डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आ चुकी है और ये प्रॉपर रन कर रही है। अब हम काम करते हैं, हमने यहाँ पर ये एसेट्स के अंदर हमने ये इस इमेज को लेकर तो आ गए, पर जब हम इसको यूज़ करना चाहेंगे तो ये यूज़ नहीं होगा। इसके लिए हमको पर्सपेक्ट डॉट यमल फाइल में बिल्कुल नीचे आकर आपको यहाँ पर शो होगा ये एसेट्स का। ठीक है, ये कमिट हुआ हुआ है, आप इसको अनकमिट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक जहाँ पर ये इमेजेस लिखा हुआ है आप यहाँ तक इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो आपके फोल्डर का नाम होगा आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे और इस तरह से स्लैश लगा देंगे। स्लैश लगाना मत भूलिएगा, मैं ज़रा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने में। तो इस तरीके से स्लैश लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, हम जैसे ही इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद हमारा पबगेट रन हो जाएगा और अब हमारी जो ये इमेज है वो यूज़ होने के लिए रेडी हो चुकी है। ठीक है, आगे हम जाके इसको इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। अब हम बाहर आ जाते हैं पर्सपेक्ट यूएमएल से, आ जाते हैं मेन डॉट डार्ट के अंदर। अब हमको हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। सो वो बेसिकली आप नॉर्मली अपने ब्राउज़र पर जाके पब डेव सर्च करें और ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट लिंक, आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद जैसे मुझे HTTP का डिपेंडेंसी जो है वो ऐड करनी है प्रोजेक्ट के अंदर, तो जैसे आप सर्च करेंगे आपको यहाँ शो हो जाएगा। आप यहाँ ओपन करने के बाद इसको कॉपी करके अपने पर्सपेक्ट डॉट यमल फाइल के अंदर जाकर डिपेंडेंसी से पेस्ट करके इसको सेव कर सकते हैं। बट आप VS कोड में, तो मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखा हुआ है पर्सपेक्ट असिस्ट के नाम से, जिसमें मुझे अपने ब्राउज़र में जाके इस तरीके से सर्च नहीं करना पड़ेगा। मैं नॉर्मल कमांड शिफ्ट पी करूँगा, आपको दिखेगा यहाँ पर ऐड अपडेट डिपेंडेंसीज।
मुझे HTTP की डिपेंडेंसी चाहिए, मैंने वो एंटर करी, ठीक है। आपको जो डिपेंडेंसी चाहिए आप उसका नाम लिखते हैं। अब जैसे मुझे एक साथ दो डिपेंडेंसी ऐड करनी है, मैं HTTP बाद स्पेस दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, फिर स्पेस दूंगा, और मुझे चाहिए शिमर की, मैंने नाम लिख दिया। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंसी ऐड होगी और पब गेट जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। अब हम दोबारा पर्सपेक्ट डॉट यमल फाइल में जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं हमारे डिपेंडेंसीज के अंदर ये HTTP और शिमर दोनों ऐड हो चुके हैं, सही है। अब उसके बाद हम एक काम करते हैं, हमको ऑफ कोर्स ये एप्लीकेशन तो नहीं चाहिए, तो ये आपको क्लास दिख रही होगी माय होम पेज की जो यहाँ पर कॉल हुई हुई है, तो इस क्लास को सबसे पहले हम यहाँ से पूरा रिमूव कर देते हैं। आफ्टर रिमूविंग डैट आपको दिखेगा यहाँ पर एरर आ गया, ऑफ कोर्स क्योंकि ये कह रहा है कि जब एप्लीकेशन रन हो तो आप मुझे कोई क्लास बताएं जिसको मैं आगे चलाऊँ, ठीक है। सो हम यहाँ पर अब एक क्लास बनाएंगे, जैसे पहले हमने LIB के फोल्डर से बाहर एक फोल्डर बनाया था, तो अब हम LIB के फोल्डर के अंदर ही एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे व्यूज़, ठीक है। और इस व्यूज़ के फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे चैट अंडरस्कोर पेज डॉट डॉट। आप यहाँ पर भी स्पेस बार ऐड नहीं कर सकते। जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे, जैसे ही फाइल क्रिएट कर लेंगे, फाइल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर स्टेटफुल विजिट कॉल करेंगे। तो जैसे ही आप STFUL लिखेंगे आपको खुद ही वो रिकमेंडेड कर देगा स्टेटफुल विजिट का, ये आपको शो हो रहा होगा। आप जैसे ही इस पर प्रेस करेंगे आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। अब अक्सर जूनियर डेवलपर्स बोलते हैं कि एक साथ इतनी सारी जगहों पर कैसे नाम लिखा जा रहा है, तो जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली सब सेलेक्ट होंगे, आपको जस्ट बैकस्पेस दबाना है और यहाँ पर अपना क्लास का नाम लिख देना है, तो और सात सारी जगहों पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एरर्स दिख रहे हैं, तो स्टेटफुल विजिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाके इसका जो मटेरियल डार्ट है वो इम्पोर्ट कर लेना है, क्योंकि जितने भी विजिट्स हैं वो मटेरियल डॉट डार्ट से आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमने इसको इम्पोर्ट कर लिया मटेरियल डॉट डार्ट को, सारे एरर सॉल्व हो गए। अब हम चैट पेज को यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर होम के आगे इसको पेस्ट करने के बाद इस तरीके से हम नॉर्मल ब्रैकेट लगा देंगे, और इस चैट पेज को भी जिस तरह से हमने वहाँ मटेरियल डॉट डार्ट इम्पोर्ट करी, यहाँ पर हम इसकी क्लास को इम्पोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ये यह वार्निंग दे रहा है कि आप इसको कांस्टेंट मॉडिफायर दो, तो हम इसको ये प्रोवाइड कर देते हैं। और उसके बाद जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास यह ब्लैंक स्क्रीन शो हो रही है, वो इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कोई कोड नहीं किया हुआ। और अब हम आपको शो हो रहा होगा यहाँ डीबग लिखा हुआ आ रहा है, तो मटेरियल ऐप के बाद आप यहाँ पर लिखें डीबग शो चेक मोड बैनर और इसको आप कर दें फॉल्स। तो जैसे इसको आप फॉल्स करें सेव करेंगे तो यहाँ पर जो डीबग शो चेक मोड बैनर है वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा एप्लीकेशन थोड़ा सा इशू करिए, तो हम एप्लीकेशन को किल करेंगे और किल करने के बाद दोबारा से हम इसको रन करेंगे, क्योंकि हॉट रिलोड में एप्लीकेशन ने इशू किया। तो कभी भी अक्सर ऐसा हो तो आप एप्लीकेशन को किल करें और उसके बाद दोबारा से रन कर लें। तो एज यू सी कि हमारी एप्लीकेशन है जो वो यहाँ पर रन हो चुकी है, ठीक है। हम यहाँ पर जो टाइटल है इसको भी रिमूव कर देते हैं, एज मच हमको यहाँ पर इस टाइटल की नीड नहीं है। सो बस आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह हमारी अगली आने वाली वीडियो के अंदर हम इस चैट पेज की जो हमने क्लास बनाई है, ठीक है, इस चैट पेज को प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इस चैट पेज के अंदर हम इंशाल्लाह हमारी अगली आने वाली वीडियो के अंदर ऐड करेंगे। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी इस प्लेलिस्ट के अंदर हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।